हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ हिंदी. आज हम रिएक्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट गाजी 2019 फाइनल ट्रेलर. यस, पहले इन एचडी पहले रिलीज हुआ था इसका ट्रेलर. आई थिंक 2017 या 18 में ये मूवी रिलीज होने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी. तो हैप्पी नहीं थे जैसा प्रोडक्ट बना था, तो उन्होंने और टाइम लिया. वो पूरा स्टोरी पता नहीं है, बट 2019 में रिलीज होने वाला, आई थिंक मार्च में, मार्च 20 समथिंग को. तो आप लोग बोल रहे थे कि रिएक्ट करो, सो लेट्स सी ये कैसा है. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है राज, ईयरफोन ही तोड़ने वाला था एक्साइटमेंट में. लेट्स एंजॉय. आप में वो क्या खास बात है कि मेरे वालिद साहब ने आपके लिए अपनी जान कुर्बान की? शायद इसलिए कि हम सब में से बचने के चांसेस सिर्फ मेरे पास थे. सब कौन सर? सर मैं ये नहीं जानता कि ये सलाहियतें मुझे क्यों मिली, लेकिन मैं पाकिस्तानी फौज और प्रोजेक्ट गाजी को समझता हूँ. सर मैं इस मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ. That has to count for something. Whatever it is that you're afraid of, it's not stronger than my will. ये लोग मुल्क के ज़हीन तरीन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं या फिर उनका कत्ल कर रहे हैं. और मैं हर बार सिर्फ एक नाम सुनता हूँ, कतान. ये टॉक्सिन एक मशीन के जरिए पूरे शहर तक पहुंचेगी. उन सब के अंदर जो आग है उसको भड़कना है, सामने आना है. इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, उसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है. आप प्रोजेक्ट गाजी से मुंसलिक थे और मैं आपसे उसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती थी. और तुम्हारा मुल्क सलाहियत है पर कुछ कर नहीं सकते. आज अगर एक सिपाही गिरा तो कल हजारों उसकी जगह खड़े होंगे. ये मेरे मुल्क का जज्बा है. दिस थिंग इज मॉडिफाइड फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स. तो मैं रीड कर रहा था इस मूवी के बारे में. कुछ तो सुपर हीरो टाइप मूवी है बोल रहे थे, मॉडिफाइड सोल्जर या कुछ तो ऐसा. मैंने रीड किया क्योंकि कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए उसके बारे में. बट आई थिंक सीजीआई इज गुड मोस्ट पार्ट्स में. इट इज एक्सेलेंट कि इतने हाई लेवल के मूवीज भी बन रहा. तो आगे क्या होता है सोचना पड़ेगा कि अभी से इतना हो रहा है तो. यस डेफिनेटली. हम लोग ने रिसेंटली आई थिंक 4 या 5 ट्रेलर्स देखे हैं काफ़ी रिसेंट मूवीज़ के, एंड हर ट्रेलर ने हमें काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया है अलग तरीके से. वो भी एक एक में बहुत अच्छे इफेक्ट्स थे. हाँ. और एक एक में ये थे कि बहुत ही अलग स्टोरी लाइन था. राइट. तो और मतलब हर किस्म की मूवीज़ आ रही है, एंड आई एम हैप्पी कि सब मूवीज़ अभी काफ़ी अच्छा करती भी है बॉक्स ऑफिस पे. सो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड रिवाइवल है पूरी तरह. Yes. से पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री का. सो वी आर रियली हैप्पी एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एक्साइटिंग मूवीज ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. लाइक वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर मौला जाट. जाट डिड आई से रॉन्ग? जाट. हाँ. सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट मूवी. और आई थिंक हम लोग ने एक बहुत ही मसाला टाइप मूवी था जवानी फिर ना आनी 2. सो वो पुराना मूवी था ना स्लाइटली. नहीं मतलब लास्ट ईयर आया था. हाँ वही स्लाइटली पुराना मतलब ये 2019 का नहीं है. सो इवन दैट वॉज वेरी मतलब फनी था और बिल्कुल ऐसा मतलब जैसा एक टिपिकल मूवी होता है वैसा था. सो आई एम हैप्पी कि हर अलग अलग टाइप के मूवीज आ रहे हैं. सो इट इज़ वंडरफुल. नहीं तो ये हो सकता था कि मूवी इंडस्ट्री जस्ट ऊपर की तरफ चालू हुआ है तो एक ही टाइप के मूवीज बनाते जा right. सकते हैं कि रोमांटिक वही बनाया. हाँ लो बजट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. नहीं ये बहुत ही हाई बजट मूवीज लग रहा है. ये तो देख के लग रहा है कि बहुत ही हाई बजट है. कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मर्स जैसा टाइप का भी फील आ रहा था. मैंने ट्रांसफॉर्मर भी नहीं देखी.
हाँ बट वो देखा नहीं क्या, वो मॉडिफाइड टैंक जो था वो ट्रांसफॉर्मर जैसा दिख रहा था. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इतना बजट इन्होंने स्पेंड किया. इसका बजट क्या देखना पड़ेगा. राइट, सो दैट्स इट. मूवी 22 मार्च को रिलीज होने वाला है, सो आप जरूर जाके देखना और हमें बताना कि आपको कैसा लगा. बाय बाय.